लेरी भेती अपना गात गई, एक अचंबाईसा होया थारी दक्षिण काने बरात गई, हस्तनापुर की सब रांड लगवाई रोती थारे साथ गई, घोड़ा बैल एक ना देखा सब जोटे जुड़े बहल के माँ, हस्तनापुर की सब रानी हुई देखी रांड महल की माँ। सपने में एक रांड लगवाई मारे बैठ बारने गान लगी, दक्षिण का ना मुंह करके ने ले रही थी कुछ खान लगी, गौर खून की नदी बहे जो हस्तनापुर को आन लगी, उस खून में बैठ द्रौपद मड़मड़कन नहान लगी, खुले केस पड़े खोया पर रुई किसे पहल के माँ, हस्तनापुर की सब रानी हुई देखी रान महल के माँ। कि बेटा इस लड़ाई में तो मनीषा सपनाया कि सब बकमिया द्रौपदी से, कि माँ कैसे कि सपने में गया हार टूट चौगड़ दे गई बखर लड़ी, गौर संकट के बादल छाए थारे सर पर व्यप्ता आण चढ़ी, खून ने खून दिखाई दे और लाशा ऊपर लाश पड़ी, उन लाशा के बीच द्रौपद खप्पर लेकर हुई खड़ी, अपने केस खून में बहरी श्री कृष्ण भरे टहल के माँ, हस्तनापुर की सब रानी हुई देखी रान महल के माँ। के बेटा इस कागद कृष्ण भी आंडे से कि माँ सपने में घना विश्वास नहीं करा करते, कि नहीं बेटा सपने में दुर्योधन बेटा तू नहान तालाब पे आप गया, उसी तालाब पे भीमसेन बन पतले मुंह का सांप गया, धरती और आसमान मिले सब भूमंडल कांप गया, मैं अंधी मरा हाथ पकड़ करण के माँ थारा बाप गया, लक्ष्मी चंद सू खाली बेटा ही मैं भी मरूं गैल के माँ, हस्तनापुर की सब रानी हुई देखी रान महल के माँ। लड़ाई होती है बिल्कुल ऐसा ही नजारा होता है, कौरव दल हार जाता है और पांडव जीत जाते हैं, जीतने के बाद में पांडवों ने कृष्ण भगवान से कहा महाराज हमारी जीत हुई, कुछ जश्न मना ले खुशी मना ले, नवलारे क्या ते जीते हो, तुमने तुम्हारे भाइयों को हराया, जीत भी थारी हार भी थारी, कित का जश्न मनाओगे और उस दुर्योधन की गार तार के तुम अपने स्याही लाओगे या सारी बुराई थारे लग जाएगी। पांचों पांडव हाथ जोड़ लेते हैं, कृष्ण भगवान सीधे महल के अंदर पहुंचे, रुक्मण देखते नवली करया काम के क्या कहा कि माँ भारत की लड़ाई समाप्त होगी, मुझे बताइए कौन जीत्या है, क्या रुक्मणी पांडु जीत गए, नौकर लगी तू गैल था जानते हैं कि नहीं तो पांडवों के पास में 7 अक्षौणी दल फौज, कौरवों के पास में 11 अक्षौणी दल फौज, कौरवों के साथ में भीष्म पितामह कर्ण दुशासन द्रोणाचार्य अश्वत्थामा अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, एक बार मुझे बताइए वो कैसे हारे हैं, रुक्मण श्री कृष्ण जी से पूछती है और क्या कहती है। ओए रुक्मणी बोली शरी कर सल शे मन महाभारत का हाल ही बता, ओए 7 जीतगी 11 हारी कैसे होया कमाल बता, रुक्मण बोली श्री कृष्ण से माँ भारत का हाल बता, 7 जीतगी 11 हारी पति भीष्म के धोरे 11 आकर सोनी थी वैसा
कंधारी का बड़ा बेटा जो देश की धरे थूनी थी।
के पूरे थे अड़ी भीड़ ने ओटने आले सूरा के सूरे थे माँ भारत में कट के मर के उड़ा किसके धन खुरे थे लक्ष्मी चंदी गुरु के धोरे